रेलवे अस्पताल से शनिवार को गोरखपुर जनपद के 18 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। इन मरीजों में 8 पिपराइज के, 3 बेलघाट के, 1 भटाट के, 2 खजनी के, 1 बांसगांव, 1 उरवा, 1 गोला, 1 चरगावा के मरीज शामिल हैं। इनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई हुई है। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने सभी कोरोना विजेताओं को फल, स्वच्छता किट और ड्राई फ्रूट देकर विदाई की। चैंपियंस का कहना था कि रेलवे अस्पताल में न केवल उनका इलाज हुआ बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक संबल भी मिला है। अस्पताल के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्प डेस्क कर्मियों ने भी चैंपियंस को भावभीनी विदाई दी और साथ में होम क्वारंटाइन रहने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत अन्य सभी एहतियात बरतने को कहा है। जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि चैंपियंस को विदाई के साथ पोषणयुक्त खाद्य सामग्री इसीलिए दी गई ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे। डीएम ने रेलवे अस्पताल में सक्रिय स्वास्थ्य विभाग के हेल्प डेस्क की तारीफ की और कहा कि वह जब भी विजिट पर आए हैं डेस्क सक्रिय दिखा है। उन्होंने नोडल अधिकारी ACAMO डॉक्टर नंद कुमार और उनकी पूरी टीम को सराहा। CMO डॉक्टर SK तिवारी ने बताया कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिल सके इसके लिए जिला क्वालिटी कंसल्टेंट डॉक्टर मुस्तफ़ा खान के अलावा स्थापित हेल्प डेस्क टीम के में हेल्प डेस्क मैनेजर अमरनाथ जायसवाल, ब्रह्मलाल प्रजापति, CHO शिल्पी, पवन, महेंद्र और नीतू की टीम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अलग अलग बैच में रेलवे अस्पताल स्थित हेल्प डेस्क पर तैनात रहती है। रेलवे अस्पताल की ओर से चिकित्सा निदेशक डॉक्टर दीपांकर चौरसिया, COVID-19 नोडल अधिकारी डॉक्टर एम नाथ और डॉक्टर नंद किशोर ने स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की सराहना करते हुए बताया कि विभागीय गाइडलाइन के अनुसार मरीजों की सेवा की जा रही है। उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि 18 मरीज स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। CMO ने बताया कि इस फैसिलिटी पर वर्तमान में कुल 45 मरीज भर्ती थे, इनमें 18 के डिस्चार्ज होने के बाद कुल 27 मरीज भर्ती रह गए हैं। इस मौके पर ACMO डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, NHM के डिविजनल प्रोग्राम मैनेजर अरविंद पांडे, एम्बुलेंस सेवा के प्रबंधक अजय उपाध्याय प्रमुख तौर पर मौजूद रहे।